नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में, जिसमें हम हर एक हफ्ते टेस्टी, इजी, हेल्दी और स्वादिष्ट खाने का रेसिपीज अपलोड करते हैं। आज हम बनाएंगे होली का स्पेशल डिश गुजिया, जिसके लिए हमें चाहिए सूजी, मावा, मैदा, चीनी, नारियल, छोटी इलायची, ड्राई फ्रूट्स। सबसे पहले गैस ऑन करके गैस पर कढ़ाई चढ़ा देंगे। इसमें 2 कप पानी डालेंगे। फिर इसमें चीनी डाल देंगे, ये हम चाशनी के लिए बना रहे हैं, और इसे अच्छे से चलाते रहेंगे। इलायची डाल देंगे इसमें। अच्छे से इसको चाशनी बना लेंगे, जब तक थोड़ा ये चिपचिपा टाइप का ना हो जाए। देखिए हमारा चाशनी यहाँ बन चुका है। अब हम इसी कढ़ाई में घी डालेंगे। सूजी डाल देंगे इसमें। अच्छे से भूनेंगे, हल्का ब्राउन कर लेंगे सूजी को हम। इसमें चीनी डालेंगे। नारियल डाल देंगे। सबको अच्छे से मिला लेंगे। ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और ये सबको अच्छे से भून लेंगे हम। ब्राउन कर लेंगे इसे सबको। देखिए ये हमारा हो चुका है। अब हम मावा को कढ़ाई में डाल के उसे अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे, हल्का सा उसे पका लेंगे। इसे ठंडा होने दे देंगे प्लेट में निकाल के। अब हम आटा गूंदने का तैयारी करते हैं। मैदा ले लेंगे। आप मैदा में घी भी डाल सकते हैं और ऑयल भी डाल सकते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसके गूंदेंगे। देखिए हमारा आटा अच्छे से भुना गया है, इसे सॉफ्ट करना है। और हमारा मावा भी ठंडा हो चुका है। अब हम मावा को सूजी में मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये हमारा फिलिंग हो जाएगा। हमारा फिलिंग रेडी है। बेल लेंगे अच्छे से, छोटे छोटे पूड़ी बना लेंगे। और इसे गुजिया बनाने वाला उसमें डाल के, फिलिंग डाल के बंद कर लेंगे इसे अच्छे से। आप हाथ से भी डिजाइन बना सकते हैं अगर आपके पास गुजिया बनाने वाला नहीं है तो। और साइड साइड के आटा को ऐसे निकाल लेंगे। और ये हमारा गुजिया हो गया है। अब इसमें एक कढ़ाई में तेल लेंगे हम, गुजिया को डीप फ्राई करेंगे। और ध्यान रखेंगे इसका मुंह अच्छे से बंद हुआ हुआ, क्योंकि तेल में इसका मुंह खुल जाएगा तो फिर ये खराब हो जाएगा, सब अंदर का सब फीलिंग निकल जाएगा। इसीलिए अच्छे से इसको कीजिएगा और इसे अच्छा हल्का ब्राउन होने तक कर लेंगे। देखिए ये हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे और चाशनी में डाल देंगे। इसे हम चाशनी में डाल देंगे। चाशनी में ज्यादा देर तक नहीं डालना है। चाशनी से 1
प्लेट में निकाल लेंगे इसे एक एक करके। और अगर आपको हमारा ये गुजिया रेसिपी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और होली में ये गुजिया बनाइए और कमेंट करके बताइए कैसा हुआ है। और ये सॉफ्ट सा स्वीट सा गुजिया एंजॉय कीजिए और सबको हैप्पी होली।